एक समय था जब हम यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस में सीखने के लिए जाते थे, लेकिन वो युग समाप्त हो चुका है। आज विश्व जिस तेजी से बदल रहा है, मानव की सोच जिस प्रकार से बदल रही है, सोचने का दायरा जिस प्रकार से बदल रहा है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जीवन की सोच को, जीवन के व्यवहार को, वे ऑफ लाइफ को आमूलचूल परिवर्तन कर रहा है, तब हमारी यूनिवर्सिटीज भी, यूनिवर्सिटी में आने वाले हर नए विद्यार्थी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ये है, चुनौती ये नहीं है कि नया क्या सिखाएं, चुनौती ये है कि पुराना जो सीख करके आया है उसे कैसे भुलाएं। अनलर्न करना, डीलर्न करना और बाद में रीलर्न करना, ये आज के युग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। फोर्ब्स मैगजीन के मिस्टर फोर्ब्स ने एक बार कहा था, शिक्षा की बड़ी मजेदार परिभाषा उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का काम है दिमाग को खाली करना। हमारी सोच क्या रही? दिमाग को भरना, रटते रहना, नई नई चीजें रटते रहना, भरते रहना। फोर्ब्स का कहना है शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को खाली करना, और आगे कहा दिमाग को खुला करना। अगर सच्चे अर्थ में युगानुकूल परिवर्तन लाना है तो हम सबको भी हमारी यूनिवर्सिटीज में दिमाग खाली करने का अभियान चलाना होगा, दिमाग खोलने का अभियान चलाना होगा। जब खुलेगा तो चारों तरफ से नए विचारों का प्रवेश की संभावना बनेगी, जब खाली होगा तो नए भरने के लिए जगह बनेगी। और इसलिए आज की यूनिवर्सिटीज उसे लर्निंग, टीचिंग नहीं, लर्निंग को बल देते हुए आगे चलना है। और समय की मांग है कि हम हमारे शिक्षा संस्थानों को उस दिशा में कैसे ले जाए। मानव संस्कृति के विकास यात्रा को देखा जाए तो एक बात जिसमें कंसिस्टेंसी है, सातत्य है, और वो है इनोवेशन, नवाचार। हर युग में मानव जात कोई न कोई इनोवेशन करते हुए अपनी लाइफस्टाइल में उसको जोड़ते चले गए हैं। और आज इनोवेशन एक बहुत बड़े कंपटीशन के कालखंड से गुजर रहा है। दुनिया में वही देश प्रगति कर सकते हैं जो देश इनोवेशन को प्राथमिकता देते हैं, संशोधन को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन संशोधन ये सिर्फ मॉडिफिकेशन नहीं है, वो सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज को संशोधन नहीं माना जाता है। विज्ञान के, जीवन के मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों के ऊपर काल बाह्य चीजों से मुक्ति पाने का रास्ता ढूंढना और भविष्य को ध्यान में रखते हुए नए रास्ते इंगित करना, नए संसाधन इंगित लाना और जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना, ये समय की मांग है।